यस गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। और स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं सारे? आ रहे हैं? नहीं अच्छा सर, कंपाइलर डिजाइन की क्लास है ये? हाँ जी कंपाइलर डिजाइन की क्लास है सर ये? हाँ जी और सर आज सवेरे नहीं थी ना पे? हाँ? आज सवेरे 7:30 पे क्लास नहीं थी ना सर? नहीं, कंपाइलर ये टाइम हो गया अब 10 to 12। डिजाइन ठीक है, एवरी यस सर। डे टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 10 to 12। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो स्लॉट है वो नहीं है। ये सर वो कल बहुत कंफ्यूजन हो गया था, 3-4 बार लिंक आ गई थी क्लास की। एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दो, कोई ग्रुप है तो तुम्हारा सभी को। यस सर। ताकि और बच्चे आ जाएं जिनको अटेंड करना है, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा फिर। ओके चलो, जिनका आना है नहीं आना देखते हैं। ओके सो गाइस, धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं।
ओके स्टार्ट करें। यस गाइस, सो कंपाइलर डिजाइन आज अपन स्टार्ट करेंगे। कंपाइलर डिजाइन तो कंपाइलर डिजाइन आप बोल सकते हो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका वेटेज देखें तो अबाउट 5% कंपाइलर डिजाइन का वेटेज होगा, इजंट इट। सो इससे पहले कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक चीजें होंगी रिलेटेड टू वी कैन से दैट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इजंट इट। तो बेसिक्स पहले अपन कवर करेंगे, ठीक है। सो पहले आपको पता होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपका कवर हो चुका है या नहीं? हाँ जी, टेल मी। नो सर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हुआ नहीं आपका सिलेबस में? उसमें हो गया सर, इंजीनियरिंग में, इसमें नहीं हुआ अभी सर। चल रहा है अभी, पैरेलल चल रहा है अभी। यस सर। सर वो भी आते मतलब होता नहीं है सही से। होता नहीं है सही से मींस मतलब लेक्चर्स नहीं होते? तो मैडम है और वो स्क्रीन शेयर वो करती है, मतलब वो मोबाइल से पढ़ाती है, मतलब कैम ऑन करके। तो सर बोर्ड पर पढ़ाती है, व्हाइट बोर्ड पर, तो वैसे भी पिक्चर क्वालिटी दिखती नहीं है और कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता सर, इसीलिए जो उसका जो सिलेबस में पढ़ा है वही है सर। अच्छा, सो और 8-10 जन ही आ रहे थे अभी लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था। ओके, ग्रामर देखते हैं, व्हाट इज ग्रामर, ठीक है। सो आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगी ग्रामर के बारे में। वी कैन से दैट ग्रामर यस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फोर टपल्स, दैट इज BTPS, ठीक है। सो वी कैन से दैट हियर वी कैन से दैट V इज ए सेट ऑफ यस वेरिएबल्स, इजंट इट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स। सो यू कैन राइट डाउन V इज ए नॉन एम्प्टी finite set of variables, that means जो capital letters आपको grammar में दिखेंगे, productions में दिखेंगे, उनको अपन बोलते हैं variables, means yes capital letters। T means we can say that set of ये आपका होगा finite set of terminals। तो यहाँ पे मैंने non empty नहीं लिखा, इसका मतलब empty set भी हो सकता है। Next one P is the yes finite non-empty finite sets of non-empty finite set of we can say that productions, and last one is your start symbol। कोई भी ग्रामर आप देखोगे, ठीक है। तो आपने अगर कुछ ग्रामर्स देखी होंगी, ध्यान से देखना। Yes हाँ जी, लगेंगे 17-18 आवर्स लगेंगे, ठीक है, 16-17 आवर्स तो लगने ही है, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा कंपाइलर डिजाइन में, ठीक है। सो 7-8 डेज आप बोल सकते हो, 8 डेज के अराउंड अपना कंपाइलर डिजाइन में लगेगा, इजंट इट। तो यहां से अपन चलते हैं आगे, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, यस चॉम्स्की हायरार्की में आपने देखा होगा ग्रामर्स, चॉम्स्की हायरार्की आपने देखी होगी, उसमें आप लिखते हो यस लेट्स से दिस इज टाइप 3 ग्रामर, सो एवरी टाइप 3 ग्रामर इज टाइप 2 ग्रामर, एंड एवरी टाइप 2 ग्रामर इज टाइप 1 ग्रामर, एंड एवरी टाइप 1 ग्रामर इज वी कैन से दैट टाइप 0 ग्रामर। पढ़ा है? यस और नो? नाउ यू ओनली टेल मी, टाइप 3 ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर ग्रामर,
Type 2 is known as context free grammar, and type 1 we can say that context sensitive grammar, and type 0 is known as recursively enumerable grammar, isn't it? तो टाइप्स होती हैं कि अपन फॉर्मेट देख के पता चलाएंगे, ठीक है, कि कौन सी ग्रामर, ठीक है, कौन से टाइप की है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप जीरो ग्रामर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टाइप जीरो ग्रामर, इजंट इट। टाइप जीरो ग्रामर और इट इज आल्सो नोन एज अ रिकर्सिवली इनुमरेबल ग्रामर एंड दिस इज आल्सो नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर मीन्स इस पे प्रोडक्शंस में बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस होंगे। And type 3 is also known as most restricted grammar. Isn't it? इस पे आपके देखोगे restrictions बहुत ज्यादा होंगे। तो start करते हैं, ठीक है, mostly अपन देखेंगे, ठीक है, parsing के लिए जो use होती है CFG आपकी ज्यादा use होगी mostly, ठीक है। So CFG का अपन use करेंगे context free grammar का, ठीक है। तो context free grammar क्या होती है? Yes, you only tell me, we can say that context free grammar या सीएफजी की अगर बात करें दैट इज आल्सो नोन एज टाइप टू ग्रामर। सो टाइप टू ग्रामर की अगर बात करें तो इसमें देखना, यस, जितने भी प्रोडक्शंस हैं, लेट से एक्स गोज टू वाई, जितने भी ग्रामर में प्रोडक्शंस हैं इनमें क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? यस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? यस, वी कैन सी दैट एक्स रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट वाई रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड, then x must be what? We can say that x must be a single variable, isn't it? ये single variable होना चाहिए, clear है? तो आप बोलोगे उस grammar को आप क्या बोलोगे? That is type 2 और context free grammar, isn't it? कोई doubt है इसमें? Okay, तो देखते हैं कुछ grammars अगर आपसे बोले हैं, ambiguous grammar क्या होती है आपको पता है? Unambiguous grammar क्या होती है? Yes, पता है थोड़ा बहुत? Yes, tell me. Yes, sir, पता है। हाँ जी, तो आप जरा मुझे बताओ, लेट से मैंने आपको एक लैंग्वेज दी, लेट से a पर m, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए ग्रामर क्या लिखोगे? s गोज टू लिख सकते हो as और a, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, ये ग्रामर लिख सकते हो, ये ग्रामर सारी स्ट्रिंग्स आपकी जनरेट करेगा, जितने भी स्ट्रिंग्स आपकी किसमें है? लैंग्वेज में, इजंट इट क्लियर है? तो अगर आपसे कोई भी ग्रामर लिखने को बोले तो आपको इजीली लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो डायरेक्टली अपन प्रोसीड करते हैं ग्रामर्स, अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इतनी नॉलेज आपको होगी कि कैसे ग्रामर्स लिखें, ठीक है, क्या करेक्ट ग्रामर होगी। ग्रामर मीन्स जितने भी ये स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या है? यस, एम इक्वल्स टू जीरो, अगर मान लो जीरो पुट करो, यस वन पुट करो तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट होगी वन, अगर टू पुट करो तो ए ट्रिपल ए, इस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। तो यहाँ से ग्रामर से ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी, स्टार्ट करेंगे s goes to a, a, तो यहाँ से आपने लीफ नोट्स को रीड किया तो एक स्ट्रिंग जनरेट होगी a। अगर आपने लिख दिया s goes to as, तो यहाँ से आप बोल सकते हो अगेन s goes to a, तो लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे टर्मिनल्स को, वेरिएबल नहीं होने चाहिए स्ट्रिंग में, हमेशा क्या आएंगे? स्मॉल लेटर्स, दैट इज टर्मिनल्स। तो एक और स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी डबल a, अगर फिर से आप करोगे as, s, अगेन as, देन s goes to s, ये जितने भी प्रोडक्शन से, इन प्रोडक्शन को कितनी भी बार आप यूज कर सकते हो। देन एस गोज टू ए, तो यहाँ से आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट, अगर लीफ को अगर रीड आउट करोगे तो आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी यस ट्रिपल ए। दैट मींस ग्रामर मींस यस, ये ग्रामर है, इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस ग्रामर जनरेट्स एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच आर इन द लैंग्वेज, बोल सकते हो, इजंट इट? ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, नेक्स्ट वन यू ओनली टेल मी, ध्यान से देखना, आगे प्रोसीड करेंगे, यस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन यू ओनली टेल मी। आपने एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर देखी होगी, व्हाट इज द एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर? एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर्स, यस वी कैन से दैट, यस व्हाट इज एम्बिग्यूस ग्रामर एंड व्हाट इज अनएम्बिग्यूस ग्रामर? Yes, we can say that. हाँ, multiple अगर parse tree बनते हैं तो उसको आप बोल सकते हो that is ambiguous. Otherwise, we can say that unambiguous. कोई भी एक string के लिए आप बोल सकते हो, कोई grammar आपने लिखी, let's say ambiguous grammar means a grammar capital G, let's say is said to be ambiguous grammar
Yes, we can say that if and only if there exists a string W belongs to language generated by grammar G, for which we can say that more than one parse trees or more than one derivation trees exist, isn't it? इसका मतलब ये हुआ मोर देन वन अगर डेरिवेशन और पास ट्री अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई भी ग्रामर के लिए, कोई भी लैंग्वेज सॉरी स्ट्रिंग के लिए. यहाँ पे लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग डब्लू, मींस जो भी लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें किसी एक भी स्ट्रिंग के लिए अगर मोर देन वन अगर डेरिवेशन ट्री है देन दैट ग्रामर इज नोन एज एम्बिग्यूअस ग्रामर. एंड सेकेंड वन वी कैन से दैट व्हाट इज अनएम्बिग्यूअस ग्रामर. Unambiguous grammar में आप बोल सकते हो yes we can say that a grammar capital G is said to be yes unambiguous grammar if and only if for every जितने भी strings हैं W belongs to language generated by grammar G. W represents string, isn't it? यहाँ पे देख लेना yes, W means this is string. Yes, ये W किसको represent कर रही है? String को. For every string sir belongs to language generated by grammar G. Yes, we can say that there exist unique derivation tree. तब आप उसको बोलोगे that grammar is unambiguous and there is no algorithm. ठीक है, एम्बिग्यूटी बताने के लिए आप बोल सकते हो देर इज नो एल्गोरिदम दैट टेल्स अस दैट द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस. सो वी कैन से दैट एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर्स इज व्हाट अनडिसाइडेबल. अनडिसाइडेबल मींस देर एग्जिस्ट नो एल्गोरिदम. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम फॉर ग्रामर्स इज अनडिसाइडेबल, इजंट इट? आगे बढ़े. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन. ध्यान से देखना, एम्बिग्यूअस अनएम्बिग्यूअस ग्रामर्स आपने देखी. So let us consider one grammar. एक ग्रामर आपको गिवन है, let's say S goes to A or B or SS or epsilon. ये ग्रामर आप बोल सकते हो whether this grammar is ambiguous or not. Tell me once. Whether this grammar is ambiguous or not. Can you tell me once? हाँ जी. ये ambiguous है sir. Ambiguous है. कोई भी string आप देखो जो इससे generate हो जाए. मान लो एक स्ट्रिंग इससे ए बी जनरेट हो सकती है. यस, हो सकती है. यस, ऐसे आप जनरेट हो सकती है. तो आप बोलोगे एस गोज टू एस एस, एस गोज टू ए, एस गोज टू बी, ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई, एक डेरिवेशन ट्री था. इसके अलावा एक और डेरिवेशन ट्री बन सकता है एस गोज टू एस एस, देन दिस एस गोज टू एस एस, दिस एस गोज टू ए, एस गोज टू बी, दिस एस गोज टू एप्सिलॉन. आप बोल सकते हो एक और स्ट्रिंग जनरेट, एक और सेम स्ट्रिंग आपकी ए बी एप्सिलॉन मींस ए बी ओनली, एप्सिलॉन मींस नथिंग, नल स्ट्रिंग. सो नल स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेशन करते हो तो सेम स्ट्रिंग आपको मिलती है. तो आप बोल सकते हो एक स्ट्रिंग आपने ली, कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट होगी, उसके लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आ गए, तो आप बोल सकते हो दिस वन इज एम्बिग्यूअस ट्री, एम्बिग्यूअस ग्रामर. सॉरी, अगर ध्यान से देखना जितनी भी स्ट्रिंग्स इससे, यस, अगर मान लो सारी की सारी स्ट्रिंग्स, जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होती और सभी के लिए यूनिक यूनिक डेरिवेशन ट्रीज बनते, तो आप बोलते कि ग्रामर क्या है? अनएम्बिग्यूअस, इजंट इट? आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखना, यस, ये एम्बिग्यूटी आपने लिखी. ठीक है, अब अगर बात करें, लेट से एक ग्रामर मैं देख रहा हूं, यहां पे देखना जरा. यस, यू ओनली टेल मी, लेट अस कंसीडर वन ग्रामर और चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज एम्बिग्यूअस ग्रामर और नॉट. यस, grammar is given to you, e goes to e plus e and e star e, e into e or id. id is what? Terminal identifier, terminal. तो इसकी वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो. ठीक है, id को id रखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, id is a terminal. now can you tell me once, yes, can you tell me once whether this grammar is ambiguous or not?
एम्बिगस यहां से देखना, एक स्ट्रिंग मैं अज्यूम कर रहा हूं, यहां से बताओ एक स्ट्रिंग ये जनरेट होगी या नहीं, यू ओनली टेल मी। W इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, ये जनरेट होगी या नहीं इसे? हाँ जी बोलिए। हो जाएगी सर। हाँ जी तो इससे जनरेट होगी, तो आप मुझे बताओ डेरिवेशन ट्री बनाएंगे? यस लेट्स से ये डेरिवेशन ट्री आपने बनाया, ई गोज टू ई प्लस ई, देन वी कैन से दैट यस दिस ई गोज टू ई इनटू स्टार ई, एंड यहाँ पे आप वैल्यूज दे सकते हो इसको आईडी, ई गोज टू आईडी, ई गोज टू आईडी। ये आईडी मीन्स आइडेंटिफायर, मीन्स कोई टर्मिनल है, टर्मिनल मीन्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, isn't it? तो यहाँ पे आपने लिखा लेफ्ट टू राइट, अगर आप रीड करोगे इसको तो देखोगे आई डी लीफ नोड्स को प्लस आई डी देन इनटू आई डी, तो आपकी एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। यस टर्मिनल्स को आपको रीड आउट करना है, जो भी लीफ नोड्स पे अगर टर्मिनल्स आते हैं, वेरिएबल्स आपके स्ट्रिंग्स में अलाउड नहीं है, isn't it? एक और अगर ट्री बनाओ तो आप बना सकते हो, ये ट्री भी पॉसिबल है, ई गोज टू ई स्टार ई एंड अगेन ई गोज टू ई प्लस ई, और यहाँ पे आपने लिख दिया ई गोज टू आई डी, दिस ई गोज टू आई डी, अगेन टर्मिनल्स को अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप रीड करोगे तो आप जरा मुझे बताओ फिर से सेम स्ट्रिंग मिलेगी या नहीं? यस सो वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज, यस वी कैन से दैट एम्बिग्यूस ग्रामर, बोल सकते हो एम्बिग्यूस ग्रामर होगी। अब ध्यान से देखना एम्बिग्यूस ग्रामर हो गई, ठीक है, तो ये एम्बिग्यूस ग्रामर है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ध्यान से देखना। अल्टीमेटली कोई भी कंपाइलर का काम क्या होता है, अभी कंपाइलर स्टार्ट नहीं हो रहा, बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें वो आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा पहले, उसके बाद कंपाइलर पे अपन मूव करेंगे। बट आप मुझे बताओ कोई भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी, वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, नथिंग एल्स। अब उसमें जो भी आपने हाई में, मान लो ध्यान से देखना, नहीं ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ये तो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया एम्बिग्यूस है या नहीं है, ठीक है, बट अगर मान लो जितने भी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, सभी के लिए अगर यूनिक यूनिक डेरिवेशन ट्रीज होते तो आप बोलते हैं अनएम्बिग्यूस ग्रामर। अदरवाइज कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसके लिए अगर मान लो मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको बोलोगे एम्बिग्यूस ग्रामर। एम्बिग्यूटी क्या होती है, क्यों इसको एम्बिग्यूस बोलते हैं, क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ग्रामर आप देख सकते हो कंपाइलर की फंक्शनैलिटी मैंने बताया, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी जावा जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनको मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है कंपाइलर। तो जो भी मान लो आपने सी में मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, तो जो भी एक्सप्रेशन आपने मान लो एक एक्सप्रेशन लिखा 2 प्लस 3 इंटू या जो भी है 2 इंटू ए प्लस 5, तो एक वैलिड एक्सप्रेशन है ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी कंपाइलेशन होगा तो इसमें एक फेज होता है कंपाइलेशन में, दैट इज पार्सिंग, मीन्स इस जो भी आपकी ये एक्सप्रेशन है इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा कंपाइलर, और इसको क्या करेगा, पार्स करेगा। पार्स करेगा तो किससे करेगा, उस कंपाइलर में आपकी इनबिल्ट क्या होंगी, ग्रामर्स होंगी, ठीक है, उन इनबिल्ट ग्रामर्स के हेल्प से इसको क्या करेगा, पार्स करेगा, और वो इनबिल्ट जो ग्रामर्स होंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे मान लो आपने सी प्रोग्रामिंग में एक आपने ए बी ऐसा लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी आपने मान लो एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, मान लो आपने लिख दिया ए बी प्लस, ठीक है, ये मीनिंगलेस है, सी में ऐसा एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते ए बी प्लस, या तो ए प्लस बी लिखते, ऑपरेटर आपका ऑपरेंड्स के बीच में होना चाहिए था, तो आपने इनवैलिड लिख दिया, तो जब कंपाइलर जितनी भी एग्जिस्टिंग ग्रामर्स है उनसे इसका पार्स ट्री बनाएगा तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, यस और नो। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है अगर वो वैलिड एक्सप्रेशन है तो वैलिड आप एग्जिस्टिंग ग्रामर्स का यूज करेगा कंपाइलर और उससे एक पार्स ट्री बन जाएगा। अगर वो वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द सी लैंग्वेज तो आप बोल सकते हो पार्स ट्री नहीं बनेगा, तो पार्सिंग एरर आ जाएगा, isn't it clear है? तो काम होता है कंपाइलर का एक फेज होता है पार्सिंग,
मीन्स वहां पे एक्सप्रेशंस को एज ए स्ट्रिंग लेगा और उनका पास्ट ट्री बनाएगा और देखेगा वेदर दिस ट्री दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पास्ट और नॉट. अगर वो पार्स हो रही है तो उसके लिए पार्स ट्री एग्जिस्ट करेगा. अब एग्जिस्ट करेगा तो जो भी इनबिल्ट ग्रामर्स हैं कंपाइलर में, अगर वो मान लो वो सारी ग्रामर्स आपकी क्या है, यस मान लो वो ग्रामर्स कोई भी ग्रामर है वो ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी. उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी, मान लो यहाँ पे आइडेंटिफायर आईडी था, इसको वैल्यू आपने दे दी लेट से 2, यस मान लो एक्सप्रेशन था 2 + 5 × 3, इजंट इट, ये एक्सप्रेशन था. तो मान लो फर्स्ट आईडी को आपने वैल्यू असाइन कर दी 2, इस आइडेंटिफायर को 5, इसको आइडेंटिफायर को 3. तो आप मुझे बताओ यस रूट को कैलकुलेशन के लेफ्ट ई और राइट ई की रिक्वायरमेंट है. लेफ्ट ई के लिए आईडी, आईडी की वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, 2 + अब इस ई की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 वैल्यू आप ऊपर आपकी सर्कुलेट होगी इसके पास 5, या बोल सकते हो 3 यहाँ पे, सो 5 × 3 यहाँ पे वैल्यू आएगी 15. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 15, तो ई क्या रिटर्न करेगा, 17 वैल्यू करेगा. यस और नो, इजंट इट क्लियर है. अब ये सेम वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट की 2, 5, 3, तो आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, ये 2 वैल्यू ई के पास आएगी, ये 5 इस ई के पास आएगी, 2 + 5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, तो बताओ 7 × 3 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 21. दैट मींस देयर विल बी ए, यस वी कैन से दैट एम्बिग्यूटी, यस और नो. अगर ग्रामर एम्बिगस लिखी तो कंपाइलर कोई भी आपका पास ट्री बना सकता था, ये भी बना सकता था, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी. अगर मान लो फर्स्ट वन बनाता, ठीक है, तो आंसर करेक्ट आता, 17 ही होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन का आंसर, 2 + 5 × 3, यस और नो, होना चाहिए या नहीं. अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एडिशन से, क्लियर है. बट बाई चांस मान लो कंपाइलर ने अगर सेकेंड पास ट्री बना दिया होता, क्योंकि वो तो एम्बिगुअस ग्रामर है, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, तो क्या दिक्कत होगी, रिजल्ट्स में एम्बिग्यूटी आ जाएगी, 21 इनकरेक्ट आंसर भी आ सकता है, इजंट इट. इसलिए जब भी इनबिल्ट ग्रामर जितने भी कंपाइलर में होती है, उन ग्रामर, वो ग्रामर सारी क्या होती है, अनएम्बिगुअस ग्रामर होनी चाहिए, otherwise there will be, yes we can say that some type of ambiguity in the results, isn't it, itna clear hai, yes guys tell me, yes tell me once, this one is clear to everyone or not, clear hai, clear hai sir, haan ji, aage badhe next one, yes sir, dhyan se dekhna, aapne dekha ki yahan pe priorities ke accordingly is grammar ko apan unambiguous grammar mein, yes equivalent unambiguous grammar likh sakte hain nahi, unambiguous grammar likhni hai to yahan pe aapko pata hai multiplication ki priority zyada hoti hai, to jo bhi grammar likho usme multiplication pehle perform hona chahiye ya nahi, isn't it, bol sakte ho, yes multiplication pehle perform hona chahiye, isn't it. तो इसके इक्विवेलेंट ग्रामर मैं लिख रहा हूं, ये आपकी ग्रामर थी e goes to e plus e, और we can say that e star e, और we can say that that is id. इसके इक्विवेलेंट ग्रामर का लिखने का मीनिंग है कि जितनी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही है एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो आप ग्रामर लिखोगे उससे जनरेट होनी चाहिए, इजंट इट, एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ना एक कम ज्यादा, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा. इसके इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर जो स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो रही है वो यहां से भी होगी, देख सकते हो, मैंने लिखा e goes to e plus t और लिख दिया t, then t goes to let's say t star f or f, then आपने लिख दिया let's say f goes to id. अब जरा मुझे बताओ ये स्ट्रिंग इससे भी जनरेट होगी, id plus id into id, होगी या नहीं, यस और नो, होगी, कैसे होगी, जरा पास ट्री बनाओ, यस ये जो टॉप मोस्ट आपका वेरिएबल है यहाँ से स्टार्ट सिंबल होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद आप कुछ भी करो, स्टार्ट वेरिएबल जो टॉप मोस्ट लेवल पे लेफ्ट में वेरिएबल है दैट इज स्टार्ट वेरिएबल, सो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ई गोज टू ई प्लस टी, देन आप बोल सकते हो यस टी इक्वल्स टू और टी गोज टू टी स्टार एफ, और यहाँ पे आप बोल सकते हो यस दिस ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, and this t goes to f, f goes to id, and here we can write f goes to id, is id ko value assign kar denge, let's say wohi values aap le rahe ho, let's say 2, 5, 3, ye expression tha aapka koi, to aap bol sakte ho let's say this is 2, this is 5, this is 3,
अब जरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यस ये टू वैल्यू सर्कुलेट होती होती यहां तक आएगी, ये फाइव यहाँ पे आएगा, थ्री यहाँ पे आएगा, फाइव इंटू थ्री 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 15, वी कैन से दैट 17। अब जरा बताना करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं, आ रहा है करेक्ट आंसर, यस और नो? हाँ जी करेक्ट आंसर आ रहा है। और ये आप मुझे बताओगे करेक्ट आंसर भी आ रहा है, इसके साथ साथ जरा मुझे बताओगे कि यहाँ पे मोर देन वन डेरिवेशन ट्री पॉसिबल है क्या? कोई भी स्ट्रिंग आप लेके देखो, मैंने एक ये स्ट्रिंग ली, कोई भी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो रही है, आप देखोगे एक यूनिक डेरिवेशन ट्री आएगा, यस और नो? हर स्ट्रिंग के लिए, हर स्ट्रिंग के लिए यूनिक यूनिक आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आएंगे, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो दैट इज इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो ये जो इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस आपने ग्रामर लिखी, ये आपने कैसे लिखा, ये आपने ऐसे लिखा कि बताओ इसमें ये लेवल्स, इस ग्रामर में बताओ टोटल कितने प्रोडक्शंस हैं जो मैंने अनएम्बिगुअस लिखी। हाँ जी अनएम्बिगुअस ग्रामर में कितने प्रोडक्शंस हैं, टेल मी। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है या नहीं आपको? यस गाइस मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ कि ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है इसमें कितने प्रोडक्शंस हैं? अनएम्बिगुअस ग्रामर जो मैंने लिखी कितने प्रोडक्शंस हैं इसमें, इसमें कितने प्रोडक्शंस हैं? यस वन, एक प्रोडक्शन ये है, देन एक और ये है, टू थ्री फोर फाइव, फाइव प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे, इजंट इट? कितने प्रोडक्शंस हैं? फाइव प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करें तो इस ग्रामर में कितने लेवल्स हैं? थ्री लेवल्स हैं। तो बताओ जो ऑपरेटर लोअर लेवल्स पे है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है या जो अपर लेवल्स पे है वो पहले एग्जीक्यूट होगा जब ट्री बनाएंगे तो? अपर लेवल पे है पहले, आप कह रहे हो प्लस एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे? नो सर। अच्छा लोअर लेवल, लोअर लेवल वाले पहले एग्जीक्यूट होंगे, यस और नो? इजंट इट? इसलिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि अपने एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में वहां पे मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन को लोअर लेवल पे रखा प्लस से, ताकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो पहले इवेल्युएट हो, और पहले इवेल्युएट होना भी चाहिए 2 + 5 × 3, क्लियर है? इजंट इट? कोई डाउट है तो बोल सकते हो, क्लियर है इतना? ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करोगे तभी चीजें समझ आएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगी। जो डाउट्स हैं बोलते हुए चलना, और जो मैं पूछूं रेस्पॉन्स देते हुए चलना है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, मैं पूछता हुआ चलता हूं, जो भी डाउट आए डाउट्स पूछते हुए चलना, अगर आप नहीं पूछोगे तो आगे डिफिकल्टी आएगी, पहले बता दे रहा हूं। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं अभी देखते हैं, अभी आया रिसेंटली गेट में क्वेश्चंस आए, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं है ये, कभी सोच रहे हो कि इससे कुछ नहीं आना, पहले बता दे रहा हूं आएंगी बहुत सारी चीजें, इजंट इट? ओके, तो ध्यान से देखना, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन। अब जरा मुझे बताना, ये आपने देखा कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको लोअर लेवल्स पे अपन रखेंगे, अगर एक और मान लो यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता उसकी इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसको और लोअर लेवल पे रखते हैं, सो इजंट इट? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वन। यस टेल मी। हाँ जी जरा मुझे बताएंगे, ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये आपने ग्रामर लिखी, e goes to e plus t or t and t goes to t star f or f और f goes to id। अब बताओ एक स्ट्रिंग मैं यहां से जनरेट कर सकता हूं w e plus और सॉरी id plus id plus id, यस और नॉट? टेल मी, कर सकते हैं? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया, लेट्स से दिस इज प्लस वन दिस इज प्लस टू, तो आप बता सकते हो पहले प्लस वन इवेल्युएट होगा या प्लस टू इवेल्युएट होगा ट्री बनाने के बाद?
हाँ जी बोलिए जरा। ओके नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना, आप मुझे बताना इसका ट्री आपने बनाया E goes to E plus T, isn't it? उसके बाद आपने बनाया E plus T, then this E goes to T, T goes to F, F goes to ID, this T goes to F, F goes to ID, and this T goes to, we can say that F, F goes to ID, yes or no? अब जरा मुझे बताएंगे, ध्यान से देखना, अब मुझे बताना, यस ये स्ट्रिंग आएगी ID plus ID, तो बताना जरा कौन सा प्लस, पहले प्लस वन या प्लस टू, कौन सा इवेलुएट हो रहा है? प्लस वन। तो प्लस टू क्यों बोल रहे थे अभी आप? और होना भी चाहिए, आप बोल सकते हो सी लैंग्वेज में अगर अपन कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं तो पहले जो आया लेफ्ट टू राइट वही आपका पहले इवेलुएट होगा, ये प्लस दोनों की प्रायोरिटीज सेम थी, अगर प्रायोरिटीज दोनों की सेम है तो जो पहले आया लेफ्ट में उसको परफॉर्म करोगे, फिर जो राइट में आया उसको परफॉर्म करोगे, यस और नो? और वैसे ही होना चाहिए, हो रहा है या नहीं इसमें, यस और नो टेल मी। हाँ जी अब जरा मुझे बताओ, कहीं पे एक्सप्रेशन होता है जैसे 3 plus 2 minus 2, तो आप इसमें और 3 plus 3 minus 2, तो इसमें पहले प्लस करते हो या माइनस करते हो पहले? हाँ जी बोलिए। प्लस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटीज इक्वल हैं, और प्रायोरिटीज इक्वल हैं तो जो पहले आया वो आपका इवेलुएट होगा, तो पहले प्लस आया होगा, isn't it? तो पहले प्लस करेंगे तो आप बोलोगे 6 minus 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, isn't it? ये आपका कन्वेंशन होती है कि कहीं पे भी मान लो सेम प्रायोरिटीज के आपके ऑपरेटर्स हैं तो जो पहले आया वो ही इवेलुएट होगा पहले, क्योंकि वो आया ही पहले, 3 plus पहले आया होगा, उसके बाद 3 फिर माइनस आया होगा, तो जो पहले आया उसको पहले कर दो, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, मीन्स जब आपका सेम प्रायोरिटीज के ऑपरेटर्स आ जाएं, मोर देन वन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी अगर प्रेजेंट हो किसी एक्सप्रेशन में, तो पहले लेफ्ट वन को फिर उससे राइट, फिर उससे राइट, फिर उससे राइट, ऐसे आप क्या करोगे इवेलुएट करोगे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस इन दोनों की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, इजंट इट क्लियर है? हाँ जी इतना क्लियर है, यस टेल मी। ओके अब जरा मुझे बताना, ध्यान से देखना, अब जरा मुझे बताना, आगे मैं बढ़ रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मुझे बताओ कहीं पे कोई एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में 2 raised to power 3 raised to power 4, अगर मान लो पावर फंक्शन को मैं एरो साइन से रिप्रेजेंट करता हूं तो पहले कौन सा आपका एग्जीक्यूट होगा, कौन सा होना चाहिए एग्जीक्यूट? सेकंड। सेकंड होना चाहिए, बताया था आपको डीएस में, आपने डीएस अटेंड की थी सभी ने, इजंट इट? तो आप बोलोगे पहले जो राइट मोस्ट आपका, यस, जो पावर ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो पावर ऑपरेटर के लिए आपकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है या नहीं, इजंट इट क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने जो ये ग्रामर लिखी इसमें आपने लिखा, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ भी चुके हैं गेट में, अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपने जो ग्रामर लिखी इसको आप बोल सकते हो E goes to E plus T, ऐसा आपने लिखा और T, तो यहाँ से जो आपने ट्री बनाया तो ये ट्री आपका बना था, लेट से T goes to T star F और F, F goes to ID, तब मुझे बताना E goes to E plus T, ये आपने एक स्ट्रिंग ली थी लेट से कोई भी 2 plus 5 plus 3, isn't it? अब जरा मुझे बताना, अब प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ पे फिर E एक्सपेंड करेंगे E plus T, तो आप बोल सकते हो ये जो प्लस वन है ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब इसकी एसोसिएटिविटी क्या बनी रहेगी, यस लेफ्ट टू राइट। अब जरा मुझे बताना ये E goes to E, ये लेफ्ट रिकर्शन आपने लगाया तो लेफ्ट एसोसिएट, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी बनी रहेगी, अगर मैं इस प्रोडक्शन को ऐसे कर देता T plus E, तो आप मुझे बताना अब कौन सा आपका एडिशन पहले आता,
कौन सा इवेलुएट होता है आप ट्री में? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया E goes to T plus E all T। अब कौन सा एक्सप्रेशन पहले इवेलुएट होता? कैन यू टेल मी वंस? प्लस वन होता या प्लस टू? प्लस टू। प्लस टू होता। इसका मतलब जब आपको राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी बनानी हो तो आप कैसे लिखोगे? E goes to T plus E, means इस E को राइट में लेके जाओगे। और अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी आपको बनानी हो तो E plus T, इस E को लेफ्ट में रखोगे। कोई डाउट है इसमें? टेल मी वंस। इसमें अगर डाउट है तो आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे गेट वाले, पहले बोल दे रहा हूं। टेल मी वंस, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हाँ, ध्यान से देखना, आप समझने का ट्राई करोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। ये तो एकदम बेसिक पार्ट है। टीओसी आपकी हो रही है तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है टीओसी में। फिर ये डेरिवेशन ट्रीज, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं पता टीओसी में क्या पढ़ाया गया आपको, क्या नहीं पढ़ाया गया। टीओसी के बेसिक्स के रिक्वायरमेंट होती है कुछ, वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, क्या चल रहा है अभी टीओसी में, आप बताना जरा। आपने अटेंड ही नहीं किए होंगे टीओसी के। अब जो भी चल रहा है मुझे नहीं पता, बट उसके बेसिक्स होने चाहिए, इसलिए मैं हमेशा ध्यान से देखना। हाँ, मीली मोर चल रही है तो वहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब ध्यान से देखना, अब मुझे बताना, इधर सुनना। यस, यू ऑनली टेल मी, फिर से मैं बता रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये E goes to E plus T, ये E goes to E, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में E है, तो कौन सा एडिशन परफॉर्म होगा पहले, फर्स्ट और सेकेंड? टेल मी। फर्स्ट। फर्स्ट होगा। और अगर मान लो इसकी जगह मैं लिख दूं T plus E, आप डेरिवेशन ट्री बना के देखना। सेकेंड। अब सेकेंड होगा। ट्री बना के देख सकते हो इजीली? यस और नो? होगा सेकेंड एडिशन? यस सर। हाँ जी, सेकेंड एडिशन होगा। तो इसका मतलब जब आपको एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट चाहिए तो ग्रामर को T plus E इस वे में लिखेंगे। ये E वाला जो रिकर्शन है, E goes to E, इस E को राइट में रखेंगे। और जब आपको लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चाहिए तो आप E को लेफ्ट में रखोगे। Isn't it clear है? Yes, tell me once. Yes or no? हाँ जी, जिन स्टूडेंट ने पूछा था, समझ आ रहा है या नहीं? Isn't it clear है? Okay. अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अपन associativity का मतलब ये है, जो भी आपको given हो, जो आपकी मान लो normally C में जो भी expressions होते हैं, जो associativity होती है, उसके accordingly आपकी grammars, existing grammars होती हैं, compiler में inbuilt होती है। But question कुछ भी frame कर सकता है वो। वो मान लो आपको पता है priority आपकी addition की ज्यादा होती है minus से, बट वो दे दे, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता है कि हमें माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रामर लिखनी पड़ेगी। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी के लिए एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, अगर प्रायोरिटी सेम हो तो। इजंट इट मींस, अगर आप बोल सकते हो प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन की, उससे कम पावर फंक्शन की, उससे कम आप बोल सकते हो यस इनटू एंड डिवीजन दोनों की इक्वल होती है, एंड उससे कम प्लस और माइनस दोनों की इक्वल होती है। तो किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे प्लस और माइनस हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी प्लस और माइनस हैं उनमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को अपन क्या करेंगे, इवेलुएट, उसके बाद नेक्स्ट राइट, देन नेक्स्ट राइट एंड सो ऑन। बट अगर मान लो बहुत सारे पावर ऑपरेटर्स हैं तो पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सट्रीम राइट को, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड सो ऑन। ये नॉर्मली आपके रूल्स होते हैं, बट आप बोलोगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। Isn't it? So, आपको एक अनएम्बिगस ग्रामर लिखनी है, कैसे लिखोगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन। आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट एन अनएम्बिगस ग्रामर
फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस, फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस, कंडीशंस आपको गिवन है, जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सी में हो ना हो, कहीं पे भी हो ना हो, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इजंट इट? ओके, सो वी कैन से दैट, ध्यान से देखना, यस यू ऑनली टेल मी, मल्टीप्लीकेशन की उन्होंने गिवन है कि प्रायोरिटी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं, लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लेट से यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स हैं, एंड हियर लेट से प्रायोरिटी है, एंड लेट से यहाँ पे एसोसिएटिविटी है। तो आप बोल सकते हो लेट से ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, प्रायोरिटी इज लेट से वन, एंड एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, एंड लेट से डिविजन। हाँ जी, मैं डीएस के लेक्चर जो यहाँ पे है, मेरे जो डीएस के लेक्चर्स थे वो सभी ने अटेंड किए थे जो यहाँ पे हैं। हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस सर, ये थे। हाँ जी, तो डीएस के लेक्चर अटेंड किए थे, तो प्रायोरिटीज और एसोसिएटिविटी का क्या मीनिंग है वो आपको पता होगा। लेट्स से इसका प्रायोरिटी सेकंड है टू, एंड एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, एंड एडिशन थर्ड ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी लेट्स से थ्री और लेट्स से फोर, एंड एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, एंड लेट्स से देन पावर ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी है थ्री एंड एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, एंड आईडी आपका क्या है, आइडेंटिफायर जो टर्मिनल होगा, इसकी प्रायोरिटी है लेट से फाइव, इजंट इट? और आईडी है तो ये आपका टर्मिनल है, तो इसमें एसोसिएटिविटी कुछ नहीं होती। तो आप मुझे बताओ, इसके लिए आपको एक ग्रामर लिखनी है, तो वन मींस लोवेस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा, फाइव दैट मीन्स हाइएस्ट प्रायोरिटी। तो इसके लिए आपको एक ग्रामर लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जिस ऑपरेटर की है उसको कहाँ पे रखोगे, टॉप मोस्ट लेवल पे रखोगे या नहीं? यस सर। हाँ जी, रखोगे या नहीं? ओके, तो बताओ यहाँ पे, और इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो बताओ मैं लिख रहा हूं ई गोज टू, यस ई स्टार टी लिखूं या टी स्टार ई? टी स्टार ई, टी स्टार ई, क्योंकि एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब जितने भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन आएंगे उसको ये पहले राइट मोस्ट आपका मल्टीप्लीकेशन को कैलकुलेट और इवेलुएट करवाना चाह रहा है, तो हो जाएगा यहां से, यस और नो? इजंट इट? ओके, नेक्स्ट वन आप मुझे बताना जरा, ये क्लियर है? और क्या लिखेंगे फिर, और टी? अब बताना नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी किसकी है सेकेंड पे, डिविजन की, और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो बताओ मैं क्या लिखूं, टी डिवाइड एफ और एफ, ऐसा लिख सकते हैं? अब एसोसिएटिविटी लेफ्ट बनी रहेगी, यस और नो? ओके, उसके बाद एफ गोज टू, कोई भी वेरिएबल्स, न्यू वेरिएबल्स लेते जाएंगे, कौन सा है, पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एफ पावर जी और जी, यस और नो? उसके बाद जी आप नए नए वेरिएबल्स लेते चलोगे, अब उसके बाद हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट किसकी, एडिशन की, तो यहाँ पे आप ले सकते हो एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो क्या लिखेंगे, यस जी को राइट में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच प्लस जी और एच, यस और नो? और फाइनली आप क्या लिख सकते हो, एच गोज टू आई डी, यस और नो? कोई डाउट है इसमें, टेल मी वंस? नो सर। वैसे yes, क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी गिवन होगा, एसोसिएटिव प्रायोरिटी ये गिवन है तो पूछेगा विच ग्रामर इज करेक्ट ग्रामर, इजंट इट? तो आप देखोगे जो लोअर लेवल्स पे जाएंगे वो पहले इवेलुएट होंगे ट्री में, इसलिए उनको लोअर लेवल्स पे रखेंगे ग्रामर में। ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कई बार गेट में पूछे जा चुके, इजंट इट? कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अदरवाइज आगे प्रोसीड करें, आगे करें, यस टेल मी? यस सर। हाँ जी, तो ऐसे अनएम्बिगुअस ग्रामर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी, अदरवाइज आप सेम लेवल्स पे सारे ऑपरेटर्स को रखते, ठीक है, जैसे ऐसा लिखते तो वो एम्बिगुअस हो जाती,
जैसे ई गोज टू ई स्टार ई और ई वी कैन से दैट डिवाइड्स ई और ई पावर ई और ई प्लस एच और ई प्लस ई और आई डी, ये भी सेम ग्रामर है बट ये ग्रामर क्या होती है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होती कि आपने सेम लेवल पे सारे ऑपरेटर्स को रखा तो कोई भी ऑपरेटर पहले या बाद में परफॉर्म हो सकता है, इसलिए जब ट्री बनाओगे तो यहाँ पे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली इवेल्युएशंस नहीं होंगे। इजंट इट क्लियर है? इसलिए अनएम्बिगुअस ग्रामर आप इस वे में लिखोगे तो इस टाइप से आप ग्रामर पूरे कंपाइलर में लिखते हुए चलोगे। इजंट इट, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। रिकर्शन की अगर बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्शन, कोई भी ग्रामर आपको गिवन है देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्शन, तो आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना। लेट से एस गोज टू वी प्लस टी होल स्टार देन एस वी प्लस टी होल स्टार, या आप बोल सकते हो एस गोज टू एस, तो इसको क्या बोलते हैं रिकर्शन। ये v प्लस टी मीन्स यस वेरिएबल और टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्टार, इसका मीनिंग क्या होता है पता ही आपको, isn't it? So, यहीं पे v मीन्स वेरिएबल और टर्मिनल्स, मीन्स s से पहले या कुछ भी वेरिएबल्स हो या टर्मिनल्स या s के बाद कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है, बट s गोज टू s है दैट मीन्स दैट इज द रिकर्शन। बट मुझे बताओ, ध्यान से देखना, कहीं पे भी आपका लिखा है ये आप बोल सकते हो रिकर्शन इज यस ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन वी कैन से दैट लेफ्ट रिकर्शन एंड सेकंड वन वी कैन से दैट राइट रिकर्शन, इजंट इट। तो लेफ्ट रिकर्शन मींस ये जो आपका रिकर्शन है इसमें वेरिएबल एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेट से एस गोज टू एस एनी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, इजंट इट, जो भी है। तो यहाँ पे एस गोज टू एस, ये एस कहाँ पे है एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। अगर मान लो ये एक्सट्रीम राइट में है तो उसको क्या बोलते हैं, यस वी कैन से दैट इज राइट रिकर्शन, इजंट इट। तो ध्यान से देखना, कंपाइलर जब पार्सिंग करता है कोई भी स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करता है तो वहां पे लेफ्ट रिकर्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इजंट इट। क्या क्रिएट हो जाती, मान लो कोई स्ट्रिंग थी, या मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, मान लो s goes to s a और b, इसमें बताओ मुझे इसमें लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं, टेल मी, इजंट इट, लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं, टेल मी वंस। ये जो ग्रामर आपको गिवन है इसमें लेफ्ट रिकर्शन है, Yes or no? Tell me once. Yes, sir. हाँ जी, तो लेफ्ट रिकर्शन है। अब मान लो एक स्ट्रिंग आपने लिख दी बी ए, तो इसके लिए ठीक है कंपाइलर मान लो पार्स ट्री बनाएगा तो सबसे पहले सर्च करना चाहेगा सिंबल बी, तो उसके पास जो भी प्रोडक्शन है एस गोज टू एस ए ऐसे लिखेगा, अब वो देखेगा लेफ्ट सिंबल बी चाहिए तो और फिर से यही प्रोडक्शन ट्राई करता रहेगा बार बार की बी मिले मुझे, बट बताओ बी मिलेगा क्या उसको कभी, no, sir. नहीं मिलेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, प्रोडक्शंस का यूज करेगा कि कब बी मिले, यस और नो। तो इसकी वजह से वी कैन से दैट अगर लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर में है तो कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इजंट इट, कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग ग्रामर्स होती है कंपाइलर में वो इनबिल्ट होती है, वो ग्रामर्स आप उसमें बोलोगे स्टोर करने से पहले उनको लेफ्ट रिकर्शन उनमें से रिमूव करोगे। रिमूव करने का मतलब है उसके इक्विवेलेंट ग्रामर लिखोगे दैट डजन हैव लेफ्ट रिकर्शन, इजंट इट। तो अपन देखेंगे एल्गोरिदम्स आपने पढ़े होने चाहिए, वैसे टीओसी में आएंगे कि कोई भी ग्रामर है उसमें लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते, इजंट इट, अभी देखेंगे अपन। नेक्स्ट वन, अगर मान लो आपकी ग्रामर ये होती S goes to, let's say, AS or A. इसमें right recursion है, तो यहाँ पे मुझे बताओ अगर right recursion है तो यहाँ पे मान लो string आपको parse करनी थी BA, तो first symbol search करेगा तो S goes to, उसने tree बनाया AS, तो यहीं पे parsing error दे देगा, क्योंकि first symbol आपका क्या आना चाहिए B, but क्या आ चुका है A, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरर आ जाएगा, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा कंपाइलर आपका, पार्सर आप बोल सकते हो, इसलिए बोल सकते हैं कि राइट रिकर्शन कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता कंपाइलर के लिए, बट लेफ्ट रिकर्शन कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए अपन एक एल्गोरिदम देखते हैं, यस एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन,
isn't it? Elimination of left recursion, isn't it? तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना. Yes, आगे proceed करेंगे. So first algorithm is that is elimination of left recursion. Elimination of, we can say that left recursion. वैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है? जो एलिमिनेशन है, ठीक है, ये अपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आएगा सेकंड चैप्टर में, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और फ्री ग्रामर्स आएंगी, सीएफजीज, वहां पे ये आपका आएगा. बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना. यहाँ पे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा है, लेट से ई गोज टू ई प्लस थ्री, और लेट से E plus or let's say E into T or T. ये कोई भी आपकी ग्रामर लिखी है तो बताओ इसमें लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं? Yes or no? है लेफ्ट रिकर्शन? Isn't it? Yes. है नहीं? Okay. तो ध्यान से देखना, जब भी आपका लेफ्ट रिकर्शन हो तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना. सिंपल सा है, नथिंग एल्स वी कैन से दैट, जो भी है, ठीक है. यहाँ पे आप बोलोगे इक्विवेलेंट आपको ग्रामर लिखनी है, दैट इज नॉट कंटेनिंग एनी लेफ्ट रिकर्शन. सो रिमूवल और वी कैन से दैट एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन. Yes, you only tell me. ध्यान से देखना. अगर अपन बोले, ध्यान से देखना. Yes, you only tell me. कोई doubt नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपसे बोलूं, yes, इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना. यहाँ पे मान लो T और F भी है, तो कैसे लिखोगे? पहले आप देखोगे left recursion ये है, E goes to E, E goes to E, isn't it? उसके बाद देखोगे ये जो आपके productions है T और F, इनमें कोई left recursion नहीं है. तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकते हो E goes to T S dash और E dash, जो भी है. मान लो एक वेरिएबल और ले लिया आपने, लेट्स से E goes to, जिनमें आपका यस ये लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, वो वाली टर्म ली T, और उस पे अपेंड कर दिया एक और वेरिएबल E dash, और एक और थी ऐसी F E dash. Isn't it clear है इतना? और इनको आप स्मॉल ले लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. लेट से यहाँ पे आपने ले लिया, लेट से यहाँ पे आपने ले लिया, लेट से स्मॉल ए स्मॉल बी. तो स्मॉल ए स्मॉल बी अगर आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस, जिनमें रिकर्शन नहीं था इनको लिखा एज इट इज ए ई डैश बी ई डैश. क्लियर है? अब ई डैश को आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना. यस, ये रिकर्शन को छोड़ के क्या था, प्लस टी, प्लस टी. तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना. यस, वी कैन से दैट यहाँ पे आप लिखोगे यस प्लस टी ई डैश और स्टार टी ई डैश और एप्सिलॉन. तो आप देखोगे ये जो आपकी जो भी आपकी ग्रामर आएगी, ये आप बोल सकते हो इसमें कोई लेफ्ट रिकर्शन है क्या, नहीं है. और ये इक्विवेलेंट ग्रामर है. कैसे है? वैसे यहां से आप क्या जनरेट करवा सकते थे, E goes to E plus T, isn't it? और T यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा. ओनली A एंड B जनरेट होंगे, T का कोई एक्सप्रेशन नहीं गिवन है. और यहाँ पे चलो लिख लो T goes to B, ओनली B. तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा T goes to B, isn't it? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ यहां से आप जनरेट कर सकते अगेन E goes to E plus T. तो यहां से E goes to let's say B and T goes to B, T goes to B, तो ट्रिपल B आप जनरेट कर रहे थे, यस और नो? अब यहां से देखेंगे जरा ट्रिपल B आ सकता है या नहीं. यस, देखेंगे E goes to B E dash, isn't it? क्लियर है? उसके बाद मुझे बताना, यस, यहाँ पे ट्रिपल बी नहीं है, आप बोल सकते हो बी प्लस बी प्लस बी, ये आपकी स्ट्रिंग आएगी. ये जो जितने भी लीफ नोड्स हैं, बी प्लस बी प्लस बी, ये आएगी. तो अपने को बी प्लस बी प्लस बी आपको लगाना है. तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आगे क्या करें. यस, यू ओनली टेल मी.
ई स्टार गोज टू बोल सकते हैं अपन प्लस टी ई डैश, यस और नो, एंड वी कैन से दैट अगेन ई स्टार गोज टू प्लस टी ई डैश, यस और नो। अब ये दिस टी गोज टू बी एंड दिस टी गोज टू बी, तो बताओ यहां से भी एंड दिस ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, थ्री विजिबल है नीचे तक, यस टेल मी, यस सर। हां जी, तो बताओ सेम स्ट्रिंग आपने बी प्लस बी जनरेट कर दी या नहीं, इजंट इट, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, इजंट इट। इसको जर्नलाइज करें, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जर्नलाइज वे में जो एल्गोरिदम है वो लिख के देखते हैं। वो एल्गोरिदम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, सिंपल सा है, नथिंग एल्स, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यस यू ओनली टेल मी, यस, ध्यान से देखना एल्गोरिदम जो एग्जैक्टली है वो अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी। मान लो आपका कोई लेफ्ट रिकर्शन है एस गोज टू एस अल्फा वन और एस अल्फा टू, और लेट से वी कैन से दैट एस अल्फा एन, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके प्रोडक्शंस थे बीटा वन और बीटा टू और अप टू लेट से बीटा एन, ठीक है। इस टाइप का कोई भी आपका मान लो ग्रामर गिवन थी, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, S goes to equivalent ग्रामर लिखनी है जिसमें लेफ्ट रिकर्शन ना हो, S goes to beta वन क्या लिखोगे S dash, और beta टू S dash, एंड अप टू आप लिखोगे beta n S dash। अब S dash को कैसे डिफाइन करोगे, ये रिकर्शन को छोड़ के जो भी था अल्फा वन एज इट इज क्या करोगे बताओ, अल्फा वन अगेन S dash, देन अल्फा टू S dash, then up to alpha n s dash or epsilon bi, clear है, yes tell me guys, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो ये जो first आपको grammar given है, इससे मान लो आप एक string generate कर सकते थे s goes to s alpha one and again s goes to let's say we can say that s alpha two and this s goes to beta one, तो आप बताओ ये बीटा वन अल्फा टू अल्फा वन ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते थे गिवन ग्रामर से। अब ये आपने इक्विवेलेंट ग्रामर लिखी तो इसका मतलब इससे भी जनरेट होनी चाहिए और इसमें कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, तो इससे जनरेट हो जाएगी क्या, ये देखना जरा कैसे हो जाएगी, आप बताओ मुझे। इसको लिख सकते हैं एस गोज टू, यस वी कैन से दैट आपको चाहिए था बीटा वन चाहिए स्टार्टिंग में, तो बीटा वन, देन वी कैन से दैट एस डैश, then s dash goes to we can say that लिख सकते हैं इसको yes alpha 2 s dash, yes or no, और s dash को फिर से लिख सकते हो alpha 1 s dash और s dash को epsilon, देखा epsilon की requirement इसलिए, clear है, okay। अब यहां से left to right अगर आप read करोगे तो बताओ same strings beta 1 alpha 2 alpha 1 मिलेगी या नहीं, clear है, किसी student को doubt है तो बोल देना, आगे बढ़े, यस और नो, यस टेल मी, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन।
लेट्स से हाँ जी ये हाँ जी कहां पे ये एल्गोरिदम है ऐसे आप लिखोगे, इसमें दिक्कत कहां पे आपको बताना जरा। अभी तो क्वेश्चंस करेंगे या ऐसे कोई भी ग्रामर गिवन है तो उसके करस्पोंडिंग आप ऐसे इक्विवेलेंट ग्रामर लिख सकते हो। तो ये जिनके जिनमें रिकर्शन नहीं था वो टर्म्स लिखोगे b1 और एक और वेरिएबल लोगे s dash, b2 s dash, up to bn s dash। सिमिलरली अब s dash को कैसे डिफाइन करना है, इस रिकर्शन को छोड़ के जो भी था अल्फा वन s dash, फिर इसमें रिकर्शन को छोड़ के अल्फा टू s dash एंड अप टू अल्फा एन s dash और एप्सिलॉन। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लें, जरा मुझे बताना यस, मान लो एक ग्रामर आपको गिवन है एस गोज टू दिस वन एल कोमा एस और एस, इसमें बताना रिकर्शन है क्या। यस yes, दिख रहा है आपको लेफ्ट रिकर्शन, ये रहा देखो एल गोज टू एल। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना एस गोज टू एल और ए। अब ध्यान से देखना इसको कैसे रिमूव करोगे, L goes to जिसमें रिकर्शन नहीं है S, यस लिखोगे S L dash और L dash को डिफाइन करोगे यस ये क्या था कोमा S यस L dash और एप्सिलॉन। कोई डाउट है इसमें, टेल मी गाइस दिस वन इज क्लियर टू योर नॉट, जो मैंने लिखा ये ऊपर वाले फर्स्ट लेवल पे जो प्रोडक्शंस थे उनमें कोई रिकर्शन नहीं था, बट जो सेकंड वाले लेवल पे जो प्रोडक्शंस थे उसमें रिकर्शन था, तो इसको मैंने लिखा। अब बोलिए कोई डाउट है तो। यस टेल मी वंस, हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े यस और नो, अगर क्लियर है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। क्लियर है सर। हाँ जी नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एस गोज टू एस ए और एस बी और एस सी और डी और ई, इसका लिखना जरा इक्विवेलेंट विदाउट लेफ्ट रिकर्शन, रिमूव करना इसका। हाँ जी लिख सकते हो S goes to D S dash E S dash and S dash goes to A S dash B S dash C S dash, ये वाले आएंगे और एप्सिलॉन। कोई डाउट है इसमें, ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ जी नेक्स्ट वन एक और लिखा S goes to A B C और D E and A goes to A D और C B और S E, isn't it? तो यहाँ पे ध्यान से देखना इनडायरेक्ट रिकर्शन है कहीं ना कहीं पे, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना ये S goes to A B C और D E and A goes to A D, एक तो ये रिकर्शन है ही, एक यहाँ पे आपने लिख दिया सी बी और इस एस की जगह अगर अपन रिप्लेस कर सकते हैं ए बी सी और डी ई, तो एक बार ए बी सी लिख दो तो ये ए बी सी ई बन जाएगा और एक बार डी ई ई ये बन जाएगा। कोई डाउट है इस ग्रामर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये और रिकर्शन आ गया यहाँ पे, यस और नो, तो इस ग्रामर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यस, ये ग्रामर है आपकी एस गोज टू ए बी सी और डी ई and A goes to A B C E or A D or we can say that C B or D E E, yes or no? तो यहां से आप बोल सकते हो अब यहाँ पे recursion देखा आपने, ये recursion था, तो इसको कैसे remove करोगे,
यस, ये फर्स्ट लेवल पे तो कोई रिकर्शन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो, और डी ई इस पे है तो इसको लिखोगे ए गोज टू जो भी है यहाँ पे जिनमें रिकर्शन नहीं है, क्या है सी बी ए डैश, और इसमें भी रिकर्शन नहीं है डी ई, ये क्या था डी ई ई एस ए डैश सॉरी, और ए डैश को आप क्या लिखोगे, यस ये था आपका बी सी ई ए डैश, और ये था आपका डी ए डैश और एप्सिलॉन, कोई डाउट है इसमें, टेल मी दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ये रिमूवल ऑफ आपने देखा लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है, तो आज ठीक है क्लास लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली काम है, ठीक है, अदरवाइज कल से टाइमिंग सेम रहेंगी अपनी, सेम टाइमिंग्स रहेंगी जो कि 10 to 12, इजंट इट, आज मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मुझे कहीं जाना है इसलिए, ठीक है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल एक दो चीज और है बेसिक वो स्टार्टिंग में बता के फिर मेनली अपन कंपाइलर स्टार्ट करें, ठीक है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अब ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है, अब कंपाइलर अपना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज जो चीजें थी ये भी कंपाइलर से रिलेटेड थी और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इजंट इट? हाँ जी बोलिए, देखो मुझे जो बताया गया है मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट मैनेजमेंट से, हाँ जी आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ठीक है, इसमें मैं नहीं कर सकता, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे बात कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बोलिए उनको जो भी आपको चाहिए टाइमिंग्स, ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके, सो थैंक यू सो मच, सो आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन फॉर टुडे, सो विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।